गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका परिवर्तन आईएएस अकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। हम लोग 15 नंबर के सवाल चेक कर रहे हैं और ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है नीलम बघेल जी का। प्रायद्वीप भारत की भू आकृति का वर्णन कीजिए, उसके भू आकृतिक उपक्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल हम चेक करेंगे। आप लोग भी अपने व्यू दे सकते हैं और अपना ओपिनियन रख सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये फ्रंट पेज है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का भाग है जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह त्रिभुजाकार आकृति में जिसका क्षेत्रफल अधिक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम भूभाग है जिसमें 600 से 900 मीटर की औसत ऊंचाई में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग पश्चिम से पूर्व की ओर और ढलान है। नर्मदा व ताप्ती नदियां प्रायद्वीप भारत को दो समान भाग में विभाजित करती है। ये अच्छा लिखा, यहाँ इंट्रोडक्शन सही है। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है, दक्कन का पठार है। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल, बघेल, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय का पठार। उसके बाद दक्कन का पठार में हम देखते हैं सतपुड़ा का पठार, महाराष्ट्र का कौन सा पठार है, क्या लिखा है एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आ रही, इसको कंफर्म बताना है एक बार नीचे। उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकाणिया का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये मैपिंग करने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन जो सबसे मुझे कमी नजर आई इस आंसर में वो ये है कि आपने जैसे यहाँ अरावली श्रेणी को डिफाइन कर दिया, मालवा पठार को डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर दक्कन का पठार को डिफाइन कर दिया, सतपुड़ा श्रेणी को डिफाइन कर दिया, और लास्ट में जो पॉइंट है दंडकारण्य, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक कैसे लिखा है, ठीक है। निष्कर्ष ठीक है, लेकिन जो बीच में आपने सिलेक्ट करे हैं कि इस पठार को आपने डिफाइन किया कुछ, उसको ये किस बेसिस पर डिफाइन करें, ये थोड़ा सा अजीब सा लगा। इधर या तो आप लोग एक उच्च भूमि और उस भूमि उसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, उसके तरीके से आप मध्य भूमि है या उच्च भूमि है उसके अनुसार डिफाइन करिए, वो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, ज़्यादा उसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि कुछ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, और निष्कर्ष आपका ठीक है, उसमें थोड़ा और मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो आपको 8 नहीं 9 नंबर आपको मिलते हैं, 9 अंक 15 में से मेरी तरफ से। आपने प्रयास किया और अच्छा करने की आवश्यकता, बीच वाला जो सेकंड पार्ट है, सेकंड हाफ, वो थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है। कंक्लूजन सही है और आपका जो इंट्रोडक्शन वो भी सही है, तो आप उसमें थोड़ा सा फोकस करिए। थैंक यू सो मच।